नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, देखिए रीट जेएन एसआई सीएचओ सहित 17 भर्तियां हैं जो रद्द होगी। और देखिए दोस्तों, नया खुलासा हो गया है, आरपीएससी भर्तियां सभी निरस्त और 17 भर्तियां आदेश निरस्त करने के। और देखिए दोस्तों, एसआई भर्ती है जो संपूर्ण रद्द, बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, लास्ट तक देखें ताकि आपको एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी खबरें सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या पूरी अपडेट है। जी हाँ साथियों, देखिए संगीता आर्य के घर एसबी कार्य पर बोले, कोई कितना ही बड़ा शख्स हो कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस सरकार में 19 में से 17 भर्तियां पेपर लीक हुए हैं, सभी की जांच करेगी एसआईटी, गृह राज्य मंत्री का कहना। दोस्तों देखिए, कांग्रेस सरकार में 19 भर्तियों के लिए परीक्षा ली गई थी और जिसमें 17 के पेपर लीक हुए। एसआई भर्ती सहित 21 अन्य सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। एसआईटी जाँच कर रही है, कोई भी कितना भी बड़ा शख्स या अधिकारी हो कानून हो, यह कहना कि गृह राज्य मंत्री जवाहर का। और मंगलवार को बीकानेर आए गृह राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस में 19 से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, भाजपा सरकार की ओर से गठित एसआईटी इन सभी की जांच करेगी और एसआई भर्ती 21 के अलावा अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक के भी बाहर कनेक्शन मिल रहे हैं। और आप आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के अजमेर स्थित घर एसबी की कार्रवाई, मंत्री ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा शख्स हो या अधिकारी हो, क्यों ना कानून अपना काम करेगा और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस की नीति, पुलिस इसकी पालना कर रही है। और एसआईटी ने एसआई भर्ती पेपर लीक चौंकाने वाला खुलासा किया है, इसमें पुलिस का मनोबल बढ़ा है। एसआईटी अब तक 100 से ज़्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल चुकी है। जी हां साथियों, जल्द ही एसआई भर्ती है जो रद्द करने की मांग चल रही है और जल्द ये रद्द होगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।